Welcome to Time News Studios. You are watching 1 p.m. Bulletin. अनामा टू बनजी वेंदो मरियम नवाज के मशवरो आहे त परदेही फंडिंग केस पढ़े संदन खोड़ सारियूं मिल्कियतूं ज़ाहिर थियण वारियूं आहिनि। वफाकी घरू वज़ीर शेख रशीद चयो आहे त पीडीएम जा समूरा मामला मौलाना फज़लुर रहमान जे खाते में अची रहिया आहिनि, जंहिंसां खेसि नुक़सान थींदो। मौलाना फज़लुर रहमान खे ॿुधाइणु घुरां थो त पहिरीं बि तव्हां सां धोखो थियो, हाणे बि धोखो थींदो। इलेक्शन कमीशन वारो एहतजाज दौरान अपोज़िशन सहकार कयो त हुकूमत बि सहकार कयो। लॉन्ग मार्च में भी पीडीएम सहकार कंदी तो हुकूमत भी सागी मोट डींदी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान शेख रशीद चयो तो एमक्यूएम से सजी जिंदगी सुठो वास्तो रो है, वक्त न होजन सबब इन भेरे मुतहदा वारन डे न वींदुस। इलेक्शन कमीशन पीटीआई खिलाफ परदेही फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर के इल्ज़ाम के रद्द कर छो। अकबर एस बाबर ए संदस वकील से स्क्रूटनी कमेटी के दबाव में आने की कोशिश ए कम में मुदाखलत जा इल्ज़ाम। अकबर एस बाबर के इल्ज़ाम से वजाहत जारी कदे इलेक्शन कमीशन है तो स्क्रूटनी कमेटी से जानबदारी जा इल्ज़ाम हकीकतुन के उबतड़ कमेटी पंजे टीओआर मूजिब कम करे पई। अकबर एस बाबर ए संदस वकील स्क्रूटनी कमेटी के कम में मुदाखलत कर कमेटी के दबाव में आने की कोशिश कर रहा है। स्क्रूटनी कमेटी मेरिट के बुनियाद से पंजी सिफारिशों तैयार कर इलेक्शन कमीशन आदो पेश कंदी। जेयूआई तरफा अज कराची में इसराइल खिलाफ रैली कढ़ी पई वे। मुख्तलिफ़ शहर का कारकुनन जा काफिला रैली में शिरकत लाए कराची रवाना। कराची में जेयूआई फे की रैली के मौके से सिक्योरिटी जा इंतजाम सख्त। मज़ार कायद भर से कॉरिडोर 3 ट्रैफिक लाए बंद। पीटीआई एमपीए हलीम आदिल शेख जेयूआईएफए ते तनकीद कंदे चयो आहे त मौलाना फज़लुर रहमान जो को भी वखर विकरो न थियो, अॼु वरी इसराइल खिलाफ़ रैली कढी रहियो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान सदाई इसराइल खिलाफ़ नारे तहत सियासत कई, पीटीएम जी तहरीक दम तोड़े चुकी आहे। तव्हां वटि एंट्री टेस्ट वठण जी सलाहियत ई नाहे, टेस्ट में एतिरी गड़बड़ कई अथव, ब्लंडर्स करण खां पोइ चओ था त शागिर्द इस्लामाबाद वञनि। तव्हां शागिर्दनि जो मुस्तक़बिल तबाह करे छॾियो। सिंध हाईकोर्ट तरफ़ां पीएमसी मथां कावड़ जो इज़हार। मेडिकल इदारनि में दाख़िला लाइ थियल एंट्री टेस्ट में बेज़ाब्तगियुनि वारे केस ते ॿुधणीअ दौरान पीएमसी जे वकील तरफ़ां सवालनामे में 14 सवाल आउट ऑफ सिलेबस हुजण जो एतिराफ़। वकील जो चवण हो तो इंटरनेट से गलत लिस्ट अपलोड थी वही हुई जेका दरख्वास्त गुजार शागिर्द वट आहे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर रिमार्क्स ॾींदे चयो तो मुल्की तारीख में पहिरों भेरो थियो आहे जो सभिनी के 14 मार्क्स ॾिनियूं वयूं आहिनि। जेकॾहिं इहे मार्क्स सिंध सरकार जे हा त ख़बर नाहे सॼे मुल्क में छा थिए हा। अदालत 3 ॾींहनि अंदरि शागिर्दनि जो रिकॉर्ड इस्लामाबाद मां घुराए नतीजनि जी तस्दीक कराइण जो हुकुम ॾेई छॾियो। सत साल गुजरी वञनि था पर गुम थियल माण्हू बाज़ियाब नथा कराए सघो, कहिड़नि धंधनि में लॻा पिया आहियो। सिंध हाई कोर्ट गुम थियल माण्हुनि जी बाज़ियाबी बाबति केस में पुलिस ऑफिसर्स ते कावड़ जो इज़हार कंदे चयो आहे त 10 आईजी तब्दील थी विया पर गुम थियल माण्हू बाज़ियाब न थिया। पुलिस ऑफिसर्स खे गुम थियल माण्हुनि जी परवाह ई नाहे। ॿुधणीअ दौरान गुम थियल रियासतुल्ला ऐं ॿियनि शहरनि जे वारसनि लुड़क लाड़ींदे दाहियूं त 7 JITs जुड़ियूं पर असांजा प्यारा घर वापसि न आया। अदालत गुम थियल माण्हुनि खे फौरी तौर बाज़ियाब कराइण जो हुकुम ॾींदे पुलिस खां अघ भराई रिपोर्ट तलब करे वरिती। FIA खां गुम थियल माण्हुनि जी ट्रेवल हिस्ट्री तलब। सुप्रीम कोर्ट ज़मानत रद्द करण वारी नैब जी दरख़्वास्त ते सिंध असेंबली जे स्पीकर आगा सिराज दुरानी खे नोटिस जारी करे छॾिया। 8 शरीक जवाबदारनि खे बि नोटिस जारी। जस्टिस उमर अता बिंदयाल जी सरबराही में जुड़ियल 3 रुकनी बेंच जवाबदारनि खे नोटिस जारी करण बाद ॿुधणी अणॼातल मुदे ताईं मुलतवी करे छॾी। नैब तरफ़ां आमदनी खां वधीक असासा केस में आगा सिराज दुरानी जी ज़मानत ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कई वई हुई।
सिंध के वे वजीर मुराद अली शाह कराची म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ला 170 मिलियन जारी करण की मंजूरी दे छी। केएमसी बाबत इजलास दौरान वे वजीर के मुख्तलिफ़ मामलों से ब्रीफिंग दिनी वही। मुराद अली शाह तो केएमसी के अकेलो ना छे सकूँ, शहर की तरक्की ला हर मुमकिन कदम खणंदासीं। कराची में ज़ैन अफंदी के कत्ल केस में अग भराई। पुलिस चनेसर गोठ महमूदाबाद में कार्रवाई दौरान गिरफ्तार थियल चयन जवाबदार मकामी अदालत में पेश कर छो। अदालत जवाबदार चयन ढीह के जिस्मानी रिमांड से पुलिस हवाले कर छो। जवाबदार में दुर मोहम्मद, इमरान ए फैजान शामिल। केस के जांच ऑफिसर जो चवण हो तो गिरफ्तार जवाबदार जांच जारी है, संदन निशानदही से छापा बहाया पाया वन। अदालत तरफा जांच ऑफिसर के इंदड़ बुधने थे अग भराई रिपोर्ट पेश करने जो हुकुम। सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोटे ज़ैन आफंदी के 6 जनवरी से कत्ल किया वो हो। वफाकी हुकूमत की हायर एजुकेशन कमीशन मौजूद है, सिंध हुकूमत पंजी एजुकेशन कमीशन कायम नथी करे सके। सिंध हाई कोर्ट में सिंध हायर एजुकेशन के क़याम खिलाफ़ बुधनी दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील जा दलील। अदालत 4 फरवरी से बेन दरख्वास्त गुजार के वकीलन के दलील दियण की हिदायत कर छी। सब का वधिक गैस पैदा कंदर सिंध में सीएनजी स्टेशन्स के लगातार 5 दिन लाए गैस की बंदिश। सुई सदरन गैस कंपनी समूरे सूबे में सीएनजी स्टेशन्स वधिक 2 दिन लाए बंद कर छ्यूं। सीएनजी स्टेशन्स अज सुबह न खुली सकूँ, हाँ छंछर से सुबह 8 वगे खोलियो वेंद। मुझे पीओ ए भायरन मुझे मुड़स के मासूम पुट सामू कत्ल किया, पर पुलिस कातिलन की गिरफ्तारी लाए के भी कदम न खया। इंसाफ फराहम किया वे पसंद परणे ता नौजवान के कत्ल खिलाफ नारी सिंध हाई कोर्ट पहुंची वही। अदालत सिविल जज मलीर खां केस में थियल अग भराई बाबत रिपोर्ट तलब कदे रिमार्क्स न त भली केतरो भी वक्त लगे ही केस जरूर बुधंदासी। सिंध के मकानी इदारन वाले खाते में ग्रेड 11 का 18 ग्रेड ताई के मुलाजमन ए कामोरन जो मुकररियों ए बदलियों। डीएमसी वेस्ट के एडमिन ब्रांच के 18 ग्रेड के डायरेक्टर जाहिद ख्वाजा के हटाए रिपोर्ट करने जो हुकुम। सुप्रिंटेंडेंट गुलाम हुसैन शेख के इजाफी चार्ज दिनी वही। सजावल टाउन कमेटी के 17 ग्रेड के सुप्रिंटेंडेंट इमरान झत्याल के डीएमसी क्यामाड़ी मुकरर किया वो। बोजार वडा टाउन कमेटी के टैक्स सुप्रिंटेंडेंट यूसुफ शेख के टाउन कमेटी टंडो मीर अली में मुकरर किया वो। सागर के यूसी जुमा खान के सेक्रेटरी अक्रम चांडियो के यूसी पदरह बहलानी की इजाफी चार्ज दिनी वही, जिता फहद सामटियो के बदली कर नौशहरो फेरोज की यूसी सैयदपुर में मुकरर किया वो। इरफान खंड यूसी नेपाजा में सेक्रेटरी मुकरर। जाती टाउन कमेटी के 11 ग्रेड के मुलाजिम बशीर कुंभर के टाउन कमेटी घोड़ाबारी के अकाउंटेंट की इजाफी चार्ज मिली वही। मकान इदारन वाले सेक्रेटरी नोटिफिकेशन जारी कर छो। खैरपुर वेझो इकोनॉमिक जोन वाले इलाके में पुलिस ए धाड़ेलन में बे ढी भी मुकाबलो। बदनाम धाड़ेल अब्दुल खालिक उर्फ गुलजार मंगणे जो जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस जो चवण है तो जवाबदार खिलाफ मुख्तलिफ थानन ते संगीन नोयत जा केसेस दाखिल आहिन। सिंध में कोहीड़े जो राज बरकरार। नूरियाबाद वेझो 3 गाड़ियों टकराइजी व्यू। मोटरवे से ट्रॉलर मुसाफिर बस ए मजदा में टक्कर थियण के नतीजे में 32 मुसाफिर जख्मी थी पाया। मोटरवे पुलिस जख्मियों के अस्पताल मुंतकिल कर छो। कंदकोट वेझो ट्रॉलर के टक्कर में मोटरसाइकिल सवार गौसपुर वासी नौजवान फकीर मोहम्मद मलिक अजल जो शिकार। फैसलाबाद में पुलिस अहलकारन मामूली गालता इंसानियत जा लीका लताड़े नौजवान के कत्ल कर छो। शुरुआती जांच रिपोर्ट मूजिब नौजवान वकास अहमद की कार जो टायर एएसआई के पेर से चढ़ी वो। अहलकारन बंदूकू सीधी क्यों तो नौजवान खौफ में अची गाड़ी भजाई, जै बाद पुलिस पीछो कदे कार के रोको। अहलकारन नौजवान के कार में लाहे कत्ल कर छो। जांच रिपोर्ट बाद चयन पुलिस अहलकारन के गिरफ्तार किया वो।
नौजवान जो कत्ल केस दाखिल। पंजाब के वे वजीर वाके जो नोटिस वे आईजी पंजाब का रिपोर्ट तलब करे वरती। उस्मान बोजार है कानून में सिक्योरिटी एहलकार के कानून हथ में खड़ने की का भी इजाजत ना है। बख्शापुर वेझो इंडस हाईवे तां औरत जो लाश थे पुलिस लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतकिल करे छो सुप न थी। अमेरिकी सदर जो बाइडन हलफ खरण का पोए मुसलमान मुल्क मथा सफरी पाबंदियों खत्म करण सूधो 15 सदारती फरमानन ते सहयूं करे छड़ियूं। पेरिस माहौलियाती माहिदे की बहाली ए अमेरिका के समूरन वफाकी मिल्कियतों में मास्क लाजमी तौर पाने वाला बिल्स भी मंजूर। मिठी में टिन ढीन वाली साइकिल रेस शुरू। पहरे मरहले में हैदराबाद सखर लाड़कानो ठट्टो मीरपुर खास नवाबशाह समेत पाक फौज जा 60 साइकिलिस्ट हिस्सों वी रहा। साइकिलिस्ट के टिन मरहल में 180 किलोमीटर तक सफर तय करना पवान।